हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं इस चैनल पे आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हमारे ब्रांड न्यू लैपटॉप की। मैंने मंगाया है एक लैपटॉप जो कि मुझे अपनी फील्ड के लिए चाहिए था। मेरा आर्किटेक्चर हो चुका है। मैं जब आर्किटेक्चर कर रहा था तो तब मैं एक नॉर्मल लैपटॉप यूज़ करता था, पर अब उसके बाद मेरे को अपने प्रोफेशनल काम के लिए ज़रूरत थी, तो इसके लिए मैंने ये लैपटॉप ऑर्डर किया है। अभी जल्दी से इसे खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बाद मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस दूंगा कि आपको आर्किटेक्चर में किस तरह का लैपटॉप लगेगा और आप कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर पाओगे इसमें, या आपको कौन से सॉफ्टवेयर्स लगते हैं इनिशियली, और जैसे जैसे आप फील्ड में आगे जाते हो या आपको जॉब के टाइम कौन से सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने एक्चुअली ये पैकेज ऑलरेडी खोला हुआ है, पर मैं वीडियो में बताने के लिए इसे एक और बार खोल रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर है अंदर, ये है अमेज़ॉन की पैकेजिंग। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा, ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लैपटॉप मंगाया है। तो बस मैं इसकी अब अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये अमेज़ॉन की पैकेजिंग को हटा देते हैं यहाँ से, और ये है हमारा HP विक्टिस का लैपटॉप। इसके अंदर हमको आई है ये एक पुस्तक जो हमें एक लिफाफे के अंदर बंद हुई मिली है। सो इसका हमको काम नहीं है, इसमें बस थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे यूज़ करना है लैपटॉप को, क्या फ़र्स्ट टाइम इसको कैसे ऑन करना है, और माउस को, इसके ऊपर जो माउस होता है ना टच पैड का, उसको कैसे यूज़ करें, थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन है। और पैकेजिंग उतनी बढ़िया नहीं है यार, अंदर पैकेजिंग बहुत ही जो है सादी सी है, ऐसी एक जो अंडे की ट्रे आती है ना वैसे वाला ये एक पैकेजिंग है इसकी। हम जैसे ही इसे खोलते हैं तो हमें मिलेगा एक कवर, और कवर के अंदर लैपटॉप है। और इसके अंदर हमें और क्या चीज़ें मिलती हैं देखते हैं। ये बॉक्स है और इसमें हमको मिलता है एक चार्जर, ये है चार्जर, ये है 200 वोल्ट का चार्जर। ये वाला जो मेरा लैपटॉप है ये है HP विक्टस राइजन 7 है। इसमें रैम है 8 GB का, ग्राफिक कार्ड है 4 GB का। और चलिए बस इसे खोलते हैं, इसको हम ऐसे खोलते हैं ताकि कैमरे में हमारे क्लियर से दिख जाए। इसको चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये रहा हमारा ब्रांड न्यू HP विक्टिस। मैं इसको ऑन करूँगा अभी, पूरा दिखाई तो दे रहा है ना इसमें। चलिए इसे भी हटा देते हैं सारी चीज़ों को, अभी बस हमारा लैपटॉप ही दिखना चाहिए बस। पावर ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह, अब ये ऑन हो जाएगा। सेटअप वगैरह सारा मैंने ऑलरेडी करके रखा है, मैं बस आपको बता रहा हूँ वीडियो करके। तो चलिए मैं आपको अब चीज़ें बोलता हूँ जो मैंने कही थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं वीडियो के लास्ट में बोलूँगा। ये है HP विक्टस का लैपटॉप, ये है i7 और 11th जनरेशन है, 8 GB रैम है इसमें, और 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, और है 512 की SSD। सो आर्किटेक्चर के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल में आती हैं स्टार्टिंग में, जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो आपको इस्तेमाल में आती हैं जो फर्स्ट बेसिक सॉफ्टवेयर है वो है AutoCAD। AutoCAD ऐसा है, वो बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है, वो तो आपको आना ही चाहिए और वो आपको लगेगा ही। और AutoCAD की एक अच्छी बात यह है कि वो नॉर्मल लैपटॉप्स में भी चल सकता है, पर आर्किटेक्चर के हिसाब से आपको जो लैपटॉप लेने चाहिए उसमें आपको सोचना इसलिए पड़ता है क्योंकि हर लैपटॉप में जो आगे के हमारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, जैसे कि गूगल स्केचअप हो गया या 3DS Max हो गया या रेविट हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं
ये सॉफ्टवेयर्स हमको नॉर्मल लैपटॉप्स में हम यूज़ नहीं कर सकते। सो आप इनिशियली एक नॉर्मल लैपटॉप लेके चला सकते हो जब आप फर्स्ट ईयर में हो। फर्स्ट ईयर में तो आपको नहीं लगेगा, सेकेंड ईयर में वगैरह होते हो, पर जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी आपको 3D सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो तब आपको एक अच्छा लैपटॉप लेना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ती जाती है तो आपको सॉफ्टवेयर सीखने ही पड़ते हैं यार। आप बाहर से सीख लो वो भी अच्छा है, ऑनलाइन सीख लो वो भी अच्छा है, और आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स तो कॉलेज में खुद सिखा देते हैं। तो अब जैसे कि मैंने ये लैपटॉप लिया है, मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बोल दिया है, बार बार मैं नहीं बोलूँगा, तो इस स्पेसिफिकेशन में मेरे को आराम से चल जाएगा। कैट तो मेरे को बहुत आराम से चलेगा, और गूगल स्केचअप चला सकता हूँ मैं इसमें, और रेविट चला सकता हूँ। ये सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ ये है 3D करने के सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, गूगल स्केचअप है, 3DS मैक्स है, रेविट है, ये सारे सॉफ्टवेयर से हम करते हैं 3D मॉडलिंग। और इसके बाद जब हम इन सॉफ्टवेयर में 3D मॉडलिंग करते हैं ना, उसके बाद हमको उन मॉडल्स को रेंडर करना होता है जो जिससे वो मॉडल्स रियलिस्टिक दिखे, उसके लिए हमको लगते हैं रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स। तो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स में है लूमियन है और एनस्केप है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स है, तो उससे आप करते हो रेंडरिंग। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही एक बेसिक से लैपटॉप में नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको एक अच्छा हाई वर्जन लैपटॉप लेना पड़ेगा। ये मेरे को चल जाएगा अभी अभी। अच्छा होगा अगर आप 16 GB रैम का लैपटॉप लो, मेरा 8 GB है, और इसमें है ना एक्सपेंडेबल है, 32 GB तक मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो जैसी मेरी ज़रूरत होगी मैं बाद में इसको एक्सपेंड करूँगा। कैट का शायद मैंने आपको काम नहीं बताया, ऑटो कैट जो सॉफ्टवेयर होता है उससे करते हैं हम 2D ड्राइंग्स, जो हम सारे प्लान्स वगैरह बनाते हैं ना वो सारा कुछ होता है ऑटो कैट से। और रेविट ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें 3D भी होता है 2D भी होता है, पर नॉर्मली इसको कंसिडर किया जाता है 3D के लिए ही समझो आप। और भी कई सारे एडवांस सॉफ्टवेयर्स है यार, जिनका बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का है ना यूज़ बहुत हाई जगह होता होगा, नॉर्मली हम तो उतना यूज़ नहीं करते अभी फ़िलहाल के लिए। और ये सारे जो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स मैं कह रहा हूँ ना, ये रेंडरिंग सॉफ्टवेयर लूमियन इनस्केप वगैरह, ये सॉफ्टवेयर्स को बहुत ज़्यादा पावर लगती है, इनको आप जब भी यूज़ करो तो तब आप उन लैपटॉप को चार्ज पे लगा कर ही यूज़ करना पड़ेगा। और यही थे यार जितनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, अगर सारी चीज़ें बताता बैठूँगा तो बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो। मैंने बस आपको ऐसा जनरल आइडिया दे दिया सारी चीज़ों का, कि आप अगर कोई ऐसे है ना आर्किटेक्चर लेने की सोच रहे हो, या छोटी सी क्लास में हो अभी, तो छोटी सी क्लास नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, अगर आपको स्टिल आइडिया नहीं है लैपटॉप्स कैसे ले या सॉफ्टवेयर्स आपको क्या क्या यूज़ करने हैं, तो इसके लिए ये एक बेसिक सा आइडिया था। आप आपकी प्रोफेशनल फील्ड में यूज़ करोगे सारे सॉफ्टवेयर जो आप कॉलेज लाइफ में यूज़ करोगे ना, कैड, गूगल स्केचअप, 3DS मैक्स वगैरह, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जॉब के दौरान भी यही यूज़ करोगे। हाँ अगर आप बहुत ही जो है ना एडवांस्ड कंपनी में जा रहे हो, लाइक आप पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको ऑटोमेटिकली वो आगे पता चल जाएगा। तो अगर आपको बहुत ही एडवांस लेवल का काम करना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है राइनासोरस, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सॉफ्टवेयर्स है यार, माया करके एक सॉफ्टवेयर है, सो ऐसे सॉफ्टवेयर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इससे तो मेरा काम चल जाएगा भैया फ़िलहाल। अगर आप इससे भी अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हो, स्पेसिफिकेशंस कह रहा हूँ मैं बस, के आप ग्राफिक कार्ड 4GB के बजाय 6GB का ले सकते हो, और रैम तो जैसे कि मैंने कहा 16GB का ले लो। सो ये सारी चीज़ें आपको चल जाएंगी, इससे मेरा काम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल जाएगा आराम से। ये मेरे को पड़ा है अप्रॉक्स 76,000 का। सो आप देख लेना आप कौन सा लेना चाहते हैं और आप कितने का देख के लेना चाहते हैं आपके बजट के हिसाब से। लैपटॉप जो है मेरे पास अभी अभी ताज़ा आया है, सो मैंने इसका अभी सेटअप किया है, मैंने इसमें सॉफ्टवेयर सभी इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो मैं धीरे धीरे करता जाऊंगा। मेरा मकसद था बस कि आपको लैपटॉप की अनबॉक्सिंग दिखाऊं और थोड़ा सा कुछ है ना ये दे दूं, डिटेल्स दे दूं कि आर्किटेक्चर में लैपटॉप किस काम आता है क्या आता है, और कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, मैं उसको रिस्पॉन्स करूँगा, रिप्लाई करूँगा मैं उसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं
अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आर्किटेक्चर रिलेटेड बहुत सारा और कंटेंट बनाता जाऊँ, तो प्लीज़ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आर्किटेक्चर अटैक से जुड़े रहिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, बड़ा बनाइए, आपको फ्यूचर में बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा इस पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।